हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे वेस्ट बंगाल स्टेट के लिए कि यहाँ की कितनी मेरिट लिस्ट आने के बाद में कट ऑफ रह सकती है, इसके बाद में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको जो लास्ट ईयर था उसका कंपेरिजन करके बताऊंगा और एग्जैक्टली वो स्कोर आपको बताने की कोशिश करूंगा जो लास्ट ईयर जिस रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ था उस रैंक के साथ में इस साल कितना स्कोर है और कितनी रैंक है वहां पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर तो आपने आपका रैंक और आपका स्कोर जो हम इस वीडियो में बता रहे होंगे उतना है तो आप खुद को वेस्ट बंगाल स्टेट के लिए सेफ समझ सकते हो कि वहां पर आपको एटलीस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। प्राइवेट कॉलेज के लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा, अगर आप कमेंट कर दोगे तो फिर मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, अदरवाइज ये आप वीडियो जरूर देखना। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था वो भी कट ऑफ आप चेक कर लेना। और अब आपके लिए मैं एग्जैक्टली कट ऑफ और रैंक इसमें डिस्कस करूंगा। लाइक और सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट रहेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है डाटाज कलेक्ट करने में और आपके सामने प्रेजेंट करने में, उसके पीछे काफ़ी सारा हार्डवर्क होता है, तो उसके लिए आप हमें एक लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हो ताकि आपके लिए इसी तरीके का बेटर कंटेंट हम आपके लिए ला पाएं। बाकी स्टेट्स की काउंसलिंग चल रही है, लास्ट आज 29th है तो बहुत सारे स्टेट्स के अलॉटमेंट लेटर आने वाले, यानी कि किसी की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने वाली है, तो बहुत सारी इवेंट्स आज होने हैं 29th को, जो कि कल मैं शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको समझाया था। लेकिन इस वीडियो में अपन वेस्ट बंगाल की बात करेंगे। हमारी पैड काउंसलिंग के लिए स्क्रीन के ऊपर नंबर आपको स्टार्टिंग में दिखे होंगे और कंटिन्यूसली वीडियो के अंदर दिखते रहेंगे, तो जिनको भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, पेड काउंसलिंग लेनी है, तो आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट करिए, हम आपकी काउंसलिंग ईजी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करेंगे वीडियो वन बाय वन करके, आपके क्या विचार रहेंगे वीडियो देखने के बाद में वो भी कमेंट करके जरूर बताना। बात करेंगे मेडिकल कॉलेजेस की, तो किसी भी कट ऑफ को इफेक्ट करता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कट ऑफ और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स की बात तो अपन रैंक के अकॉर्डिंग कर ही लेंगे, बट मेडिकल कॉलेजेस की बात करेंगे तो 35 टोटल यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस हैं। टोटल MBBS सीट है 5,325 और इसमें से भी गवर्नमेंट की टोटल कॉलेजेस हैं 26 और प्राइवेट की है 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। तो इन 26 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर टोटल MBBS की सीट है 3,825 और प्राइवेट की बात करें तो 1,500 टोटल MBBS की सीटें हैं। जैसे ही कोई नया मेडिकल कॉलेज ओपन होने की इन्फॉर्मेशन आएगी कन्फर्म तो हम आपको अपडेट कर देंगे, लेकिन तब तक आपके पास ये डाटा ये चीज़ें अवेलेबल हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इससे बहुत ज़्यादा आइडिया लग जाता है कि जितनी ज़्यादा MBBS सीटें होंगी उतनी ही ज़्यादा लो कट ऑफ रहने के चांसेज हैं, और अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट वहाँ पर कम रहते हैं। कट ऑफ जो भी होगी लास्ट ईयर की वो मैं स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि लास्ट कितनी रैंक के ऊपर कॉलेज मिला था, कौन सी कैटेगरी में, कैटेगरी वाइज अपन बात करेंगे और स्कोर और रैंक दोनों मैं आपको समझाऊंगा, इसके साथ में कौन सा इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ था वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी जो बात कर रहे हैं हम 2023 की बात कर रहे हैं कि 2023 में वेस्ट बंगाल स्टेट में कितनी रैंक और कितने स्कोर के ऊपर एडमिशन मिला था उसकी बात हो रही है। ओपन कैटेगरी की बात करेंगे तो 588 मार्क्स के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ था, रैंक थी 36,080 और यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज जो इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ था वो था शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का मेडिकल कॉलेज, ये अलॉट हुआ था UR कैटेगरी में लास्ट राउंड में, यानी कि लास्ट जहाँ पर MBBS क्लोज हुई थी वो इस रैंक पे और इस स्कोर के ऊपर ओपन कैटेगरी में हुई थी, ये इसका बताने का रीजन है लास्ट राउंड तक। करेंगे OBC कैटेगरी की, तो OBC कैटेगरी में स्कोर था 589। अब ये जनरल कैटेगरी से ज़्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रिजर्वेशन का जो सिस्टम होता है वो OBC के लिए थोड़ा कम है, इसी वजह से कट ऑफ थोड़ी हायर साइड में देखने को मिलती है, बाकी आप चीज़ें समझ सकते हो। 35,766 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर एडमिशन मिला था, ESIC जोका का कॉलेज यहाँ पर अलॉट हुआ था। बात करेंगे OBC ए कैटेगरी की, तो यहाँ पर 587 मार्क्स के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ था, ऑल इंडिया रैंक थी 36,329 और यहाँ पर झरग्राम का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज झरग्राम का है वो अलॉट हो गया था OBC ए कैटेगरी के स्टूडेंट को इतने रैंक और स्कोर के ऊपर। बात करेंगे OBC बी कैटेगरी में, तो यहाँ पर 581 मार्क्स के ऊपर, यानी कि दोनों में डिफरेंस होता है 5 से 6 मार्क्स का, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि जो रैंक थी वो 40,841 थी और यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलपाईगुड़ी वो अलॉट हो गया था OBC बी कैटेगरी के स्टूडेंट को। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया लग रहा होगा कि लास्ट ईयर तो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा लो थी, लेकिन इस साल सिचुएशन बहुत अलग है। बात करते हैं बाकी कैटेगरीज की, तो यहाँ तक अगर देख लिया है लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमारी पेड काउंसलिंग के लिए नंबर आपको दिखे होंगे उसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, फाइनल अपना डिसीजन लेने के बाद में गवर्नमेंट और प्राइवेट जहाँ पर आपको एडमिशन लेना है उसके बारे में।
बात करेंगे EWS कैटेगरी की, तो यहाँ पर 543 मार्क्स और 69,626 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर जीएमसी जलपाईगुड़ी का अलॉट हुआ था EWS कैटेगरी को, तो काफी ज्यादा लो कट ऑफ रहती है EWS कैटेगरी की। अगर बात की जाए बाकी कैटेगरीज के कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है EWS कैटेगरी को। SC कैटेगरी की बात करें 479 और रैंक की बात करें तो 130,085 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर जो जीएमसी जरग्राम का है वो अलॉट हो गया था। और ये जो आप सोच के देख रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बात करते भी हैं, लास्ट कमेंट आया भी था कि सर आप इन्फॉर्मेशन सही नहीं दे रहे हो, तो ये लास्ट ईयर की कंपैरिजन है, आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर चेक कर सकते हो, आपको देखने को मिल जाएगा। इसके जो भी इन्फॉर्मेशन हम दे रहे होते हैं काफी रिसर्च के बाद में दे रहे होते हैं, तो फिर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वही चीजें रहने की। ST कैटेगरी की बात करें तो 264 मार्क्स के ऊपर, ओनली 264 मार्क्स के ऊपर 511,607 ऑल इंडिया रैंक जीएमसी कुछभर का मेडिकल कॉलेज अलॉट हो गया था। तो ये थी 2023 की कट ऑफ, स्टेट मेरिट की मैं बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि कितनी लो कट ऑफ रहती है अगर बात करें अपन वेस्ट बंगाल स्टेट की। अब बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 में क्या रह सकती है, इन्हीं रैंक को बेसिस मानकर, जितने रैंक है इनको आप नोट करके रख सकते हो साइड में या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके बाद में इस साल कितने स्कोर के ऊपर ये वाली रैंक है तो फिर आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये अपनी पॉसिबिलिटीज है, यानी कि इतना अपन आइडिया लगा पा रहे हैं कि किस तरीके से होने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं पेड काउंसलिंग के लिए, नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखे होंगे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपको वीडियो कहीं से भी थोड़ा सा भी पसंद आए और इन्फॉर्मेटिव लगे। तो बात करेंगे 2024 की, तो यहाँ पर है कैटेगरी और मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक। अब यहाँ पर मैं जिस तरीके से मैंने नोट की हुई है वो आपको मैं बड़े अच्छे से समझा दूंगा। ओपन कैटेगरी की बात करें तो 638 से लेकर 640 मार्क्स की कट ऑफ रह सकती है। अब ये मैंने क्यों नोट किया कि जो कट ऑफ लास्ट ईयर 36,080 थी, तो वहां पर अब ये जो 38 से लेकर 640 मार्क्स है या रैंक स्टार्ट हो रही है, यानी कि 380 से रैंक स्टार्ट हो रही है, वो 36,018 से हो रही है और ये एंड हो रही है 36,965 के ऊपर। तो इस रैंक के बीच में या फिर इस स्कोर तक आपका स्कोर आ रहा है तो आपको इस साल वेस्ट बंगाल स्टेट के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर तो लास्ट ईयर कट ऑफ रही थी 36,080, तो अगर आपकी रैंक 36,018 से ज्यादा है, यानी कि 338 मार्क्स से ज्यादा है, तो फिर आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ये कंफर्म आप समझ सकते हो कि 638 से मार्क्स से ज्यादा है तो फिर आपको कॉलेज इस साल अलॉट हो सकता है वेस्ट बंगाल के लिए, आप वेट कर सकते हो। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 640 मार्क्स हैं, क्योंकि लास्ट ईयर कट ऑफ 35,766 थी, जो कि आपने लास्ट वीडियो में देखा, यानी कि जस्ट थोड़ी देर पहले देखा, तो उसमें मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है, जो कि लास्ट ईयर 766 रैंक थी 35,000, लेकिन मैंने यहाँ पर नोट की हुई है 35,761, यानी कि लास्ट ईयर की रैंक से 5 रैंक मैंने कम बताई है। तो अगर आपका स्कोर 640 है तो फिर आपको ओबीसी कैटेगरी में एडमिशन इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिल जाएगा वेस्ट बंगाल के अंदर। ये बात आपको रिलेटेबल लग रही होगी तो लाइक जरूर कर देना। ओबीसी ए कैटेगरी की बात करें तो लास्ट ईयर इसकी कट ऑफ जो थी वो आपने पहले देख चुके, एक बात को बार बार अपन रिपीट नहीं करेंगे, तो 638 से लेकर 640 मार्क्स, क्योंकि इन दोनों के ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है, तो रैंक मैंने यहाँ पे वही नोट कर दी है कि 36,018 या फिर 36,965 रैंक के बीच में आपका है तो फिर आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। यानी कि जिसकी रैंक 638 है तो उनकी रैंक आ रही है 36,965 और 640 तक 36,018 रैंक तक मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। रैंक थोड़ी बहुत ऊपर नीचे और है, लेकिन मैंने जो सेफ रैंक है जो लास्ट ईयर रही थी उससे कम से ज़्यादा से रैंक अपन को नोट यहाँ पे मैंने कर दी है ताकि एक बेस्ट आइडिया आपको लग पाए। ये थी इन कैटेगरीज की कट ऑफ, बात करते हैं बाकी कैटेगरीज। बात करेंगे ओबीसी बी कैटेगरी की, तो यहाँ पर 635 प्लस माइनस 2 मार्क्स वो इसलिए किए हैं कि लास्ट ईयर की कट ऑफ थोड़ी सी जिस तरीके से थी वो मैंने आपको बता दी थी। अब यहाँ पर मैंने सेफ साइड में रहते हुए ये रैंक यहाँ पर नोट की हुई है कि 40,809 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर आपको कॉलेज मिल सकता है, जो कि लास्ट ईयर 41 थी, लेकिन मैंने 41 ना लेते हुए उससे नीचे वाला नंबर लिया है। तो यानी कि 635 या फिर इससे ज़्यादा आपका मार्क्स है तो ओबीसी बी कैटेगरी में आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वेस्ट बंगाल के अंदर अलॉट हो जाएगा।
बात करेंगे AWS कैटेगरी की, तो 607 मार्क्स यानी कि 607 मार्क्स के ऊपर आपकी जो लास्ट ईयर रैंक थी 69,626, तो यहां पर मैंने उससे नीचे वाली रैंक नोट की है, यानी कि उससे अच्छी वाली रैंक नोट की है, यानी कि 69,583 से लेके 69,632 रैंक तक मैंने यहां पर नोट कर दी है, ताकि इसके बीच में आपकी रैंक है और इतना स्कोर है तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वेस्ट बंगाल के अंदर। बात करेंगे SC कैटेगरी में, अगर लास्ट ईयर वाली कट ऑफ रहती है तो 556 मार्क्स तक आपको कॉलेज अलॉट होगा इस साल, और रैंक आपकी होगी 130,083, रैंक तक आपकी इससे ज्यादा रैंक है, ज्यादा का मतलब यानी कि 82, 83 इस तरीके से है, तो फिर आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। स्कोर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लास्ट ईयर 479 मार्क्स था लेकिन इस साल 556 मार्क्स है, जो कि काफी ज्यादा नंबर इंक्रीज हो चुका है ऑलमोस्ट 77 मार्क्स का। तो बात करते हैं रैंक के ऊपर एडमिशन होता है, तो फिर रैंक मैंने आपको बता दी है। ST कैटेगरी की बात करेंगे तो लास्ट ईयर सिर्फ 264 मार्क्स पे एडमिशन हुआ था, लेकिन अब इस साल जो रैंक है वो 338 मार्क्स के ऊपर, क्योंकि इस रैंक के ऊपर एडमिशन हुआ था यानी कि इससे थोड़ा ऊपर, तो मैंने इतना स्कोर नोट कर दिया है कि जो इस साल इतनी रैंक के ऊपर है, तो 511,604 रैंक के ऊपर यानी कि इससे ज़्यादा जिसकी रैंक है इतनी भी है, तो भी आपको इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा अगर लास्ट ईयर वाला ट्रेंड फॉलो होता है। तो ये थी सारी कट ऑफ 2024 के लिए वेस्ट बंगाल स्टेट के लिए, बड़ी अच्छी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है स्कोर प्लस रैंक के साथ में, तो ये आपको समझ आया होगा। मैं अजय शर्मा AS नीट की तरफ से आपको सारी अपडेट्स अवेलेबल करवाता हूँ, इसी तरीके से बहुत सारे स्टेट्स की हमने अपडेट दी हुई है चैनल के ऊपर, आने वाले टाइम में जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी हम आपके लिए और सिंप्लीफाई करके अपडेट देते रहेंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो, सब्सक्राइब करने करवाने का रीज़न आपका यही है कि जैसे जैसे ये चैनल ग्रो होगा उतने ही और बेहतर कंटेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपके साथ आया जाएगा और आपको अपडेट किया जाएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी कॉलेज लेने में भी और आपको ये डिसाइड करने में भी कि आप सेफ हो या फिर नहीं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा काउंसलिंग में। मिलते हैं किसी ऐसे ही अपडेट के साथ, तब तक आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कर देना, जितना पॉसिबल हो सके बहुत ज़्यादा शेयर भी कर देना। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।